तीन दिन का नेक्सो ने 2023 इस साल 29 सितंबर से इस बार उदय एग्जीबिशन में होगी कई कंपनियां शामिल। नेक्सोनेज यानी निर्माण एक्सपो एंड नॉलेज सेशन। आर्किटेक्ट राजेंद्र मंत्री ने बताया कि इस एग्जीबिशन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित जितने भी ब्रांड्स हैं और उनके प्रोडक्ट हैं वह डिस्प्ले किए जाते हैं। कई स्थानीय फर्म जो उदयपुर के साथ ही अन्य जगहों पर अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है वह भी इसमें शामिल होंगी। उदयपुर से करीब 200 प्रोफेशनल्स इसमें शामिल होते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत के प्रमुख कुछ शहरों से बहुत ही अनुभवी आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनर्स और इंजीनियर इसमें भाग लेने आ रहे हैं। राजस्थान के अलावा बात करें तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम आदि शहरों से करीब 30 पेशेवर आ रहे हैं। राजस्थान से जयपुर, जोधपुर, कोटा से भी 60 से भी अधिक विख्यात प्रोफेशनल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इंजीनियर निर्मल हरपावत ने बताया कि इस तीन दिवसीय आयोजन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे जिनमें भारतीय संस्कृति में वास्तु शिल्प देव प्रभि विश्वकर्मा की भव्य प्रतिमा का अनावरण, उदयपुर के प्रोफेशनल के प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने हेतु गैलरी आदि। इसका हिस्सा रहा है क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे बड़ा कारण दो ही रीजंस हैं इसके, एक तो मटेरियल एग्जीबिशंस और दूसरा नॉलेज सेशन। नॉलेज सेशंस में लोग आगे से आगे हो के, जैसा अभी मैम ने कहा था कि स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा, स्टूडेंट्स को तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जिनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है उन लोगों को पूरा ये नॉलेज मिलता है कि किस किस लेवल के आर्किटेक्ट से किस तरह का काम होता है, फील्ड में क्या होता है, और एक प्लेटफॉर्म पर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 2 से 3 दिन में इतना कुछ जानने को मिलता है। और लोकल पब्लिक के लिए ये एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पर इस प्रोफेशनल लेवल पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स दूसरे जो भी काम हो रहे हैं किस लेवल के काम हो रहे हैं ये लोगों को देखने को मिलता है। और मटेरियल एग्जीबिशन का ये फ़ायदा है कि मटेरियल क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है, ये जनरली एक छोटी एक ही जगह पर सारी चीज़ें इकट्ठी होकर वो नॉलेज सबको मिलता है। इस बार 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यशोक केसर गार्डन में हो रहा है। और इस बार एक नई चीज़ इसमें और ऐड की है जो जिसका नाम दिया है इन्होंने उदय एग्जीबिशन। उदय एग्जीबिशन में जो अभी तक जो हमने बात की है कंस्ट्रक्शन फील्ड और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, उसके अलावा जो दूसरे और भी प्रोडक्ट्स जो जनरल पब्लिक के लिए काम के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार पार्टिसिपेशन और बढ़ने वाला है, अच्छे लेवल पर और पार्टिसिपेट।